आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत को एक संविधान मिला। उस संविधान ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है। इसका क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र का मतलब हुआ कि फैसले लेने का अधिकार अब भारत देश में सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को होगा। भारत के लोग वोट डालेंगे, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, वो प्रतिनिधि 5 साल तक काम करेंगे। उनका काम सही है कि नहीं, उनका काम गलत है, अच्छा है बुरा है, ये लोकतंत्र में तय करने का अधिकार हमारे संविधान ने देश की जनता को दिया है। और इसीलिए 5 साल में एक बार हमारे संविधान के अनुसार देश में चुनाव होते हैं। लेकिन संविधान के खिलाफ जाते हुए, लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ जाते हुए केंद्र सरकार एक कानून लेके आई जो 11 अगस्त 2023 को नोटिफाई हुआ, GNCT अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि चाहे हमारा देश लोकतंत्र हो, चाहे हमारा संविधान कुछ भी कहता हो, चाहे हमारा संविधान देश की जनता को ताकत देता हो, दिल्ली की जनता को ताकत देता हो, लेकिन GNCT अमेंडमेंट 23 कहता है कि दिल्ली में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की जनता को नहीं होगा, दिल्ली के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं होगा, दिल्ली में निर्णय लेने का अधिकार अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी के पास होगा और एक अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। इस एक्ट में सेक्शन 45J सबसेक्शन 5 ये स्पष्ट तौर से कहता है कि अगर कोई अफसर चाहे तो वो मंत्री का आदेश मानने से मना कर सकता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी चाहे तो वो मंत्री के दिए हुए आदेश को मानने से मना कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने से मना कर सकते हैं। ये कानून और उसकी ये धारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देती है। और इसका परिणाम 11 अगस्त को ये कानून नोटिफाई हुआ और इसका पहला परिणाम हमें 21 अगस्त को ही देखने को मिल गया, जहां पे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने एक 10 पन्ने की चिट्ठी लिखकर चुनी हुई सरकार के मंत्री को के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। मैंने 16 अगस्त को सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी विजिलेंस को एक आदेश दिया था और 16 अगस्त के दिए हुए आदेश को के बाद चीफ सेक्रेटरी ने 21 अगस्त को 10 पेज की एक चिट्ठी लिखी और उसमें GNCTD अमेंडमेंट एक्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री की बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास, अपनी चिट्ठी के 37th पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है, अफसर के पास ताकत है, मुख्य सचिव के पास ताकत है, मंत्री के पास ताकत नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी ने लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया। जब संविधान ने हमारे देश को लोकतंत्र बनाया तो उस लोकतंत्र का क्या ढांचा बना? संविधान ने यह ढांचा बनाया कि देश की जनता या दिल्ली की जनता या किसी भी राज्य की जनता
अपने प्रतिनिधि चुन के भेजेगी, उनको विधानसभा भेजेगी। वो विधानसभा अपने में से कुछ लोगों को मंत्री बना के कैबिनेट में भेजेंगे, जो फैसले लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे और अफसरों के माध्यम से इंप्लीमेंट करेंगे। इसे कहते हैं ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अफसरों की अकाउंटेबिलिटी, अफसरों की जवाबदेही मंत्रियों को है, मंत्रियों की जवाबदेही विधानसभा को है, विधानसभा के सदस्यों को है, और विधानसभा के सदस्यों की, विधायकों की जवाबदेही दिल्ली की जनता को। लेकिन जब अफसर चुनी हुई सरकार के मंत्री का आदेश मानने से मना कर देते हैं तो लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म हो जाती है। और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में बहुत स्पष्ट आदेश दिया, और मैं उसका पैरा 106 और 107 आपको पढ़ के सुना रही हूं। सुप्रीम कोर्ट के यूनैनिमस ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 11 मई की यूनैनिमस ऑर्डर में उन्होंने कहा, सिविल सर्विस ऑफिसर्स दस आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर होम दे फंक्शन। मिनिस्टर्स आर इन टर्न अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और एज द केस मे बी द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अंडर द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड दैट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड इज एज फॉलोज। सिविल सर्विस ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, एंड द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। और फिर उससे भी ज्यादा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी पैरा 107 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एन अनअकाउंटेबल सिविल सर्विस मे पोज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी। इट क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी दैट द परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ अनइलेक्टेड सिविल सर्विस ऑफिसर्स हु प्ले अ डिसाइसिव रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मे एक्ट इन वेज That disregard the will of the people। और यही आज दिल्ली में हो रहा है जब चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये तो शुरुआत है। कल हो सकता है कि शिक्षा मंत्री होने के नाते दिल्ली की जनता में मुझे बोले कि हमें इस इलाके में नया स्कूल चाहिए, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश दूं कि नया स्कूल बनाना है, और एजुकेशन सेक्रेटरी मुड़ के इस तरह की चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कह सकती है, कहती है कि हम फ्री दवाई देंगे, हम फ्री टेस्ट कराएंगे। हो सकता है कि हेल्थ सेक्रेटरी इसी तरह की चिट्ठी लिख के दे दे कि हम फ्री दवाइयां नहीं देंगे, हम फ्री टेस्ट कराने का आदेश नहीं मानेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं 200 यूनिट। हो सकता है कि पावर सेक्रेटरी भी इसी तरह की चिट्ठी भेज दे और कहे कि हम चुनी हुई सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे 24 घंटे बिजली, हम नहीं देंगे फ्री बिजली। अगर अफसर इस तरह की चिट्ठियां लिखकर चुनी हुई सरकार के फैसले मानने से मना करेंगे तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस देश में अगर किसी चुनी हुई सरकार के फैसले पर, किसी भी चुनी हुई सरकार के काम पर अगर निर्णय लेने का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के पास है, दिल्ली की जनता के पास है, जो 5 साल बाद तय करती है कि हमें इस सरकार को रखना है या निकाल कर बाहर फेंकना है। ये अधिकार ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है, ये अधिकार एक अनइलेक्टेड पावर के पास नहीं। जो मैंने 16 अगस्त को आदेश भेजा था, ये आदेश नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को लेकर था। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यह फैसला किया था कि ये मानते हुए भी कि ये नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमने इसके फॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन फिर भी
क्योंकि ये अभी देश का कानून है, इसका सम्मान करते हुए और दिल्ली के जनता के कामों के हित में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये फैसला लिया था कि हम दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार, अलग अलग विभागों के बीच में और नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाएंगे। इसका आदेश मैंने 16 अगस्त को मिनिस्टर सर्विसेज और मिनिस्टर विजिलेंस होने के नाते दिया और 21 अगस्त को दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि आज एक अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी डिसाइड कर रही है कि ये शहर कैसे चलेगा, कि ये सरकार कैसे चलेगी, कि अब नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसकी बैठक के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया कि दिल्ली की जनता के काम ना रुकें, ये जानते हुए कि भी वो गैर कानूनी है, वो अथॉरिटी उसको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अब दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी ने ये इंश्योर कर लिया है कि नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी अब नहीं चल पाएगी क्योंकि उन्होंने आदेश मांगने से मना कर लिया। इससे क्या होगा? इससे दिल्ली की जनता के काम रुकेंगे, इससे दिल्ली की जनता के काम डिले होंगे, इसका नुकसान अगर किसी को होगा तो वो सिर्फ दिल्ली की जनता को होगा, उनकी कामों में देरी होगी और काम रुकने शुरू होंगे। बिल्कुल, अगर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो चुनी हुई सरकार ने बनाया, अगर उस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को, मीटिंग करने के तरीके को आज ब्यूरोक्रेसी मानने को तैयार नहीं है, आज मुख्य सचिव मानने को तैयार नहीं है और वो उसके रिस्पांस में 10 पेज की चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि हम आदेश नहीं मानेंगे, तो फिर ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कैसे चले? और जैसा मैंने कहा, ये अभी शुरुआत है, आज चीफ सेक्रेटरी ने ऐसी चिट्ठी लिख के भेजी है, लेकिन जब तक ये गैर संविधानिक कानून बना रहेगा तब तक दिल्ली में इस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रहेंगी, संविधान की धज्जियां उड़ती रहेंगी। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इसलिए था, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है और उसके अलग अलग विभाग हैं, क्योंकि उन सबके पास सर्विस मैटर्स आते हैं, उन सबके पास ट्रांसफर पोस्टिंग आती हैं, उन सबको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, उनको पोस्ट क्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया था कि जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों के अपने मंत्री हैं जो चुनी हुई सरकार का हिस्सा है। अभी जिस प्रकार से अथॉरिटी फंक्शन कर रही थी, चुनी हुई सरकार से बिना कंसल्टेशन किए सारे एजेंडा NCCSA के पास जा रहे थे, तो ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या कह रहा था? कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कह रहा था कि जो सर्विसेज से जुड़े मैटर हैं, कि किसी डिपार्टमेंट को स्टाफ चाहिए, किसी में कोई प्रमोशन होनी है, किसी में कोई रिक्रूटमेंट होनी है, किसी में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, तो वो चुनी हुई सरकार के सर्विसेज मंत्री के थ्रू होकर अथॉरिटी में जाए, कि जो विभाग हैं, जो अलग अलग मंत्री हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बनता है। दूसरा ये मैकेनिज्म क्या कह रहा था कि मान लीजिए कि किसी भी विभाग में किसी अफसर पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना कि उन्होंने काम नहीं किया, कुछ भ्रष्टाचार हुआ, किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, समय से स्कूल नहीं बना, समय से अस्पताल नहीं बना, जिसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रावधान होना है, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन मिनिस्टर विजिलेंस के थ्रू होकर उस अथॉरिटी के पास जाए। ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि चुनी हुई सरकार के बीच में, उसके अलग अलग विभागों के बीच में, उसके अलग अलग मंत्रियों के बीच में और अथॉरिटी के बीच में एक समन्वय बना रहे, क्योंकि आखिरकार विभाग तो अफसर ही चलाएंगे। अगर किसी विभाग को मान लीजिए स्टाफ की ज़रूरत है तो वो कैसे अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करेगी? वो अपने मंत्री और मिनिस्टर सर्विसेज के थ्रू अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करेगी,
और इसीलिए एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये आदेश दिया गया, परंतु इस आदेश को दिल्ली के मुख्य सचिव ने मानने से इनकार कर दिया। क्या आर्गुमेंट दिया सीएस ने अपने लेटर में? क्या बोला? सीएस ने अपने लेटर में बोला है कि सेक्शन 45J हमें ये पावर देता है, इसको मैं कोट करती हूं, सेक्शन 45J ये कहता है कि अगर चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को लगे तो वो दे डू नॉट दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्टर, वो इस मामले को मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को और एलजी को लिख के दे सकते हैं कि हम इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। लेकिन एनसीसीएसए को जो कमीशन है एक्ट के अंदर, उसमें तो कहीं किसी तरह की कोऑर्डिनेशन की बात नहीं करी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए शायद कन्वीनर को पावर दी गई, चाहे वो इलीगल लॉ है या नहीं है, दैट इज सेकंड इफेक्ट। द फैक्ट इज दैट इट इज एट द मोमेंट इट इज द लॉ। नहीं बिल्कुल, और हम ये क्लियरली मानते हैं कि नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और हमने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन हमने खुद ये कहा हमारी सरकार ने कि हम एग्जिस्टिंग लॉ का सम्मान करते हुए हम इसकी वर्किंग करवाएंगे, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन चुनी हुई सरकार से होना जरूरी है, उसके मंत्रियों से होना जरूरी है, वरना सरकार कैसे चलेगी। तो हमने एक गैर कानूनी, जो गैर कानूनी गैर संवैधानिक एक्ट जिसको हम मानते हैं, लेकिन क्योंकि वो लॉ ऑफ द लैंड है, अभी टिल द सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ डिसीजन ऑन इट, उसका सम्मान करते हुए हमने एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया। लेकिन अगर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को अफसर मानने से मना कर देंगे, तो इसका ये मतलब है कि अफसर आज कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार कुछ भी कहे, मंत्री कुछ भी कहे, वो कुछ भी फैसले ले, लेकिन हम उन फैसलों को नहीं मान। देखिए, हमने चुनी हुई सरकार ने अपना एक आदेश दिया है, चीफ सेक्रेटरी को ये अधिकार है कि वो कह सकती हैं कि उनके अनुसार वो इस बात को नहीं मानेंगे, हम फिर से अपने आदेश को रखेंगे। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार के बीच में और एनसीसीएसए के बिना कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, तो कैसे होगी एनसीसीएसए के फैसले, कैसे लेंगे कोई भी फैसले, चाहे वो मुख्यमंत्री हो उसमें, चाहे वो जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसकी जो पूरी अथॉरिटी है, अगर उनका कोऑर्डिनेशन बाकी विभागों से नहीं होगा। एब्सोल्युटली वी विल पुट द ऑर्डर अगेन, हम बिल्कुल बिल्कुल ये करेंगे। और देखिए, ये एक बहुत स्पष्ट चीज है, एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 3A हटने के बाद जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सर्विसेज एंड विजिलेंस, अपार्ट फ्रॉम जो एनसीसीएसए के पास है, बाकी पावर चुनी हुई सरकार के पास है। और क्योंकि पावर चुनी हुई सरकार के पास है, तो चुनी हुई सरकार तय करेगी कि ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कैसे होगा। दस इलाके ऐसे है जहाँ पर गर्मी लू जब पड़ती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और स्कूलों की टाइमिंग वगैरह को लेकर भी डीडीएम ने निर्देश दिए हैं कि उनको बदलना। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम वाला फैसला है वो अभी हमने मीडिया से ही सुना है, तो एक बार उसको एग्जामिन करना होगा। जहाँ तक अभी मुझे पता है कि दो मौके मिलेंगे बच्चों को बोर्ड एग्जाम देने के लिए, और अगर उनको दो मौके मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए भी देता है क्योंकि अभी हमारे देश में एग्जाम्स का और खासकर बोर्ड एग्जाम्स का एक फोबिया है, और उस फोबिया की वजह से जब उनको बच्चों को एक ही मौका मिलता है तो स्ट्रेस की वजह से आजकल हम बहुत सारे गलत डिसीजंस भी बच्चों को हम लेते हुए देखते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी देना है ये एक बहुत अच्छा कदम है। आप पूरे फॉर्मूले को देख रहे हैं,
हाँ जी, अगर अगर ये फॉर्मूला, जैसा मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और अभी एग्जैक्ट ऑर्डर को स्टडी करना पड़ेगा, पर अगर ये ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है स्टूडेंट्स को कि वो कब बोर्ड एग्जाम को लेना चाहे, तो ये अपने आप में पॉजिटिव चीज है। इसको एक बार ही हमें थोड़ा स्टडी करना होगा, उसी के बाद हम बता पाएंगे।